कौशाम्बी जिले में कक्षा 8 की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसकर मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची कोकराज पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू कर दी है। घटना कोकराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे की है, जहां कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा कंचन बीती रात घर पर सो रही थी और घर के सभी लोग नीचे थे। सुबह जब देर रात तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो घर के लोग उसको उठाने पहुंचे, वह जली हुई अवस्था में पड़ी मिली। घटना को देखते ही घर और मोहल्ले में कोहराम मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी कौशाम्बी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि नाबालिग लड़की की आग से जलकर मौत हुई है। लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आजाद नगर एक कंचन डॉटर ऑफ देवी दूध प्रथम दृष्टया आग जलाकर उसकी मृत्यु हुई और डेड बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया है। पीएम के लिए भेज रहे हैं जो सब सामने आए।